still remember when I was cabinet secretary. The prime minister rings me up and says, "Session, tell the chief election commissioner that we want the election on so and so, so and so." I told him, I said, "Sir, it is not for us to tell the election commission this. It's for us to say we are ready for the election. But the responsibility for fixing up the schedule for the election is squarely and completely that of the election commission." बेखौफ, बहादुर और बेहद ईमानदार कुछ ऐसे थे टीएन सेशन, जिनके लिए ये कहा जाता था कि अगर इंडियन पॉलिटिशियंस को भगवान के अलावा किसी का डर है तो वो है सेशन का। तिरुनलाई नारायण अय्यर सेशन, जिनको लोग टीएन सेशन के नाम से भी जानते हैं। सेशन एक इंडियन सिविल सर्वेंट और ब्यूरोक्रेट थे जो अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस और बोल्ड डिसीजंस के लिए जाने जाते थे। जब सेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में एज अ सेक्रेटरी अपॉइंटेड थे, तब उन्होंने नर्मदा रिवर पे बनाए जाने वाले तेहरी और सरदार सरोवर डैम को अपोज भी किया था। मद्रास में बहुत सी पोजीशंस पे और काफी मिनिस्ट्रीज में काम करने के बाद उन्हें 1989 में एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सेशन एक काबिल सिविल सर्वेंट थे, लेकिन उनकी लाइफ में और इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में टर्निंग पॉइंट आया 1990 में, जब टीएन सेशन को इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया, जिसमें उस टाइम के लॉ मिनिस्टर सुब्रमण्यन स्वामी का भी इम्पोर्टेंट रोल था। जब सेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करने हार्वर्ड गए थे, तब उनका अच्छा कनेक्शन बन गया था सुब्रमण्यन स्वामी से, जो वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर थे। सेशन का ये कहना आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि उनके द्वारा लाई गई रिफॉर्म्स ने ना जाने कितने पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। सेशन ने 100 से भी ज्यादा इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई किया था। इलेक्शन के टाइम वोटर्स को ब्राइब करना, शराब बांटना, यहाँ तक कि गवर्नमेंट फंड्स को इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए यूज करना तक सेशन ने बंद करवा दिया था। लाउडस्पीकर्स पे बोलने के लिए और हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक बजाने के लिए रिटन परमिशन लेना जरूरी कर दिया गया था। सेशन बहुत से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए, जिनसे इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की वर्किंग में एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट चेंज आया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम आचार संहिता के नाम से भी जानते हैं, और वोटर आईडी कार्ड्स को लाने वाले और कोई नहीं बल्कि टीएन सेशन ही थे। इसके अलावा सेशन ने इलेक्शन कैंडिडेट्स द्वारा किए जाने वाले खर्चों को भी कम कर दिया था। 1999 के जनरल इलेक्शंस में 1488 कैंडिडेट्स को सेशन द्वारा लाई गई रिफॉर्म्स की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, अपने एक्सपेंडिचर अकाउंट्स टाइम पे सबमिट ना कर पाने के लिए। कहा जाता है कि अपने टेन्योर में टीएन सेशन ने प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव से लेकर बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव किसी को नहीं बख्शा था। बिहार की हिस्ट्री में सबसे लंबा चलने वाला इलेक्शन जो 4 फेजेस में हुआ था, उसके पीछे भी सेशन ही थे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर्स क्या होती हैं, ये आम जनता को सेशन ने बताया। एक बार 15 अगस्त के मौके पर राजीव गांधी बहुत से लोगों के साथ विजय चौक से इंडिया गेट तक दौड़ने वाले थे। वहीं पास में सेशन सिक्योरिटी रिलेटेड अरेंजमेंट्स देख रहे थे। ऐसे में राजीव गांधी ने सेशन को छेड़ते हुए कहा, "आप वहाँ क्या सूट बूट पहने खड़े हैं? आइए आप भी हमारे साथ दौड़िए, इस बहाने आपका मोटापा थोड़ा कम हो जाएगा।" इस पे सेशन ने जवाब देते हुए कहा, "कुछ लोगों को सीधे खड़े रहना पड़ता है ताकि देश का प्रधानमंत्री दौड़ सके।" और यहाँ भी सेशन की हाजिर जवाबी काम आई। सेशन वॉज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। अक्सर पेपर्स में लिखा जाता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेशन इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऐसे में उनका एसोसिएशन गवर्नमेंट के साथ करना गलत है। सेशन ने क्लियरली बोला दैट ही इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री बट नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सेशन अपने काम को लेकर कितने जिम्मेदार थे, इसका अंदाजा हम इन किस्सों से लगा ही सकते हैं। पब्लिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज को समझते हुए डैम कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट आवाज उठा के कभी सेशन ने एम्पैथी और कंपैशन की वैल्यू समझाई, तो कभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाके अपनी अकाउंटेबिलिटी का प्रूफ दिया। एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को गवर्नमेंट से अलग रख के सेशन ने इम्पार्शियलिटी का भी अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। सही गलत की पहचान तो सभी को होती है, लेकिन सही बात के लिए स्टैंड लेने का करेज रखने वाले टीएन सेशन आज की जनरेशन के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है।
सेशन को गवर्नमेंट सर्विस में उनके इस एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 1996 में रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से ऑनर किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर होने के बाद टी एन सेशन ने 1997 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए कॉन्टेस्ट भी किया था, जिसमें वो के आर नारायणा से हार गए थे। लेकिन क्या पता, अगर वो जीत जाते तो आज आम जनता को प्रेसिडेंट की पावर्स का भी ज्यादा अच्छे से पता होता। टी एन सेशन भले ही आज हमारे साथ ना हो, लेकिन उनका हमारे देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन भुलाया नहीं जा सकता। सेशन और उनके जैसे न जाने कितने और काबिल ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, जिन्होंने हमें दिखाया कि किस तरह पर्दे के पीछे रहकर भी देश का इतिहास लिखा जा सकता है। बिल्कुल सही नाम दिया था सिविल सर्विसेज को सरदार पटेल ने, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, जो बेशक नजर नहीं आता लेकिन एक इमारत की बुनियाद उसी से होती है। सेशन जैसे ही बेखौफ एक और थे, जिस देश के लोगों को कभी गुलामी करनी पड़ी थी, आज उसी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड की टॉप सीक्रेट एजेंसीज में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉ की, जिसके फॉर्मेशन में एक बड़ा रोल प्ले किया था एक और बहादुर सिविल सर्वेंट ने, जिनकी बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ।